नमस्कार, दिल्ली डेली न्यूज में आपका स्वागत है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की प्रेमिका रही मोनिका बेदी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने मोनिका बेदी की 10 साल तक के लिए पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देने की अपील को ठुकरा दिया। दरअसल अबू सलेम और मोनिका बेदी पर फर्जी पासपोर्ट मामले में भोपाल के कैफिजा थाने पर केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि मोनिका ने अंडरवर्ल्ड डॉन की पत्नी बनकर फौजिया उस्मान के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। भोपाल की अदालत ने इस मामले में मोनिका बेदी को बरी कर दिया था, जबकि अबू सलेम को सजा सुनाई गई थी। बाद में अपीलीय अदालत ने भी मोनिका की दोषी मुक्त को सही ठहराया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मोनिका बेदी की अपील पर सुनवाई करते हुए इसी बात को आधार बनाया। जस्टिस सीवी सिरपुकर की एकल पीठ ने कहा कि इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हाई कोर्ट ने ही इस मामले में संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने मोनिका बेदी की 10 साल तक पासपोर्ट जारी करने की अनुमति को ठुकराते हुए हवाला दिया कि यह मामला काफ़ी गंभीर है, इसमें पासपोर्ट बनाने के लिए गलत सूचनाओं और फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग किया गया था।